अगर आप सभी लोग को भी अभी तक ऐसा कोई नीश नहीं मिला है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिला है जिस पर सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोग को कंटेंट प्रोवाइड कराना है, देन वहां से 1 से 2 महीने के बाद अच्छा खासा पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, तो आज आप सभी लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहना। हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के एक ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो में गाइस मैं आप सभी लोग को 5 ऐसे ब्लॉगिंग के प्रॉफिटेबल नीशेस के बारे में बताने वाला हूं जिस पर अगर आप सभी लोग वर्क करते हो तो वहां पर डेफिनेटली आप सभी लोग को अच्छा खासा सक्सेस रेशियो देखने को मिलेगा और एक हाई अमाउंट में आपकी साइट पर ट्रैफिक भी आना शुरू होगा जिसको आप सभी लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म के साथ मोनेटाइज करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। आप चाहो तो उस पर एडवर्टाइजमेंट भी लगा सकते हो, एडवर्टाइजमेंट नहीं लगाना चाहो तो आप सभी लोग अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो इस वीडियो को आप सभी लोग कंप्लीटली देखते रहना, एक भी पार्ट आप सभी लोग इसका स्किप मत करना। और अगर आप सभी लोग चाहते हो कि ये जितने भी नीशेस मैं आप सभी लोग को बताऊंगा इसके लो कंपटीशन कीवर्ड के लिस्ट के लिंक डायरेक्टली मैं आप सभी लोग को प्रोवाइड करा दूं तो गाइस वो चीज भी आप सभी लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हो, पहली बार मेरी शक्ल देख रहे हो तो मेक श्योर कि आप सभी लोग उस रेड सब्सक्राइब के बटन को दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए गाइस अब जानते हैं कि भाई कौन से वो ब्लॉगिंग के 5 प्रॉफिटेबल नीशेस हैं जिनको यूज करके आप सभी लोग अच्छा खासा ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। और गाइस ये जितने भी नीशेस मैं आप सभी लोग को बताऊंगा इन पर वर्क करने के लिए आप सभी लोग को बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग ब्लॉगर पर अपनी वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हो, फ्री ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो और वहां पर कंटेंट डालने के बाद जब आप सभी लोग को वहां पर अच्छा खासा सक्सेस रेशियो मिले तो उसके बाद आप सभी लोग अपनी वेबसाइट को अपडेट कर सकते हो, यानी कि एक डोमेन और होस्टिंग परचेस कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि हो सकता है आपको वहां पर सक्सेस ना भी मिले, तो ऐसे में आप सभी लोग का मनी वहां पर वेस्ट ना हो, तो इस चीज को भी आप सभी लोग ध्यान में रखना। सो गाइस सबसे पहला जो हमारा नीश है वो है रिलेशनशिप। अब गाइस रिलेशनशिप अपने आप में ही काफी बड़ा एक नीश है, इसके अंदर भी ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिन पर भी अगर आप सभी लोग अपनी वेबसाइट स्टार्ट करते हो तो वहां पर भी आप सभी लोग को अच्छा खासा अर्निंग पोटेंशियल देखने को मिलेगा। अब गाइस यहां पर अगर मैं आप सभी लोग को कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ मतलब कैटेगरीज बताऊं तो यहां पर आप सभी लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड इंस्टाग्राम कोर्स से रिलेटेड बना सकते हो अपनी वेबसाइट, इंस्टाग्राम स्टेटस के रिलेटेड बना सकते हो। अब स्टेटस में भी आप सभी लोग वीडियो स्टेटस से रिलेटेड रिलेशनशिप वाली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, वीडियो नहीं तो टेक्स्ट वाली कर सकते हो, टेक्स्ट नहीं तो गाइस आप सभी लोग इमेज वाली स्टेटस वाली वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। और इनके अंदर भी आप सभी लोग को काफी ज्यादा लो कंपटीशन कीवर्ड्स देखने को मिल जाते हैं जिन पर भी अगर आप सभी लोग वर्क करते हो तो वहां पर अच्छा खासा ट्रैफिक आपकी साइट पर आना शुरू हो जाएगा और इस टॉपिक पर भी गाइस आप सभी लोग को एडसेंस अप्रूवल मिल जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप सभी लोग स्टेटस और कोर्ट्स इनसे रिलेटेड वेबसाइट नहीं बनाना चाहते तो आप सभी लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड स्टोरी वाली वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो जिस पर आप सभी लोग डिफरेंट रिलेशनशिप की स्टोरी शेयर कर सकते हो, वहां पर भी आप सभी लोग को अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा। अब इससे रिलेटेड अगर आप सभी लोग लो कंपटीशन की लिस्ट चाहते हो तो वो आप सभी लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, जिस नीश पर सबसे ज्यादा डिमांड होगी उससे रिलेटेड गाइस मैं आप सभी लोग को लो कंपटीशन की लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब गाइस दूसरा जो हमारा नीश है वो है फूड। अगर आप सभी लोग फूड से रिलेटेड अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करते हो तो यहां पर भी गाइस आप सभी लोग को अच्छा खासा ट्रैफिक पोटेंशियल देखने को मिलेगा। अब गाइस फूड में भी काफी ज्यादा ऐसी कैटेगरीज है जिन पर अलग अलग कैटेगरीज पर आप सभी लोग अपना एक माइक्रो नीश ब्लॉग को स्टार्ट कर सकते हो और वहां पर अलग अलग कैटेगरीज को टारगेट करके अच्छा खासा ट्रैफिक ला सकते हो। अब यहां पर अगर आप सभी लोग को मैं कुछ कैटेगरी के बारे में बताऊं तो यहां पर आप फास्ट फूड से रिलेटेड बना सकते हो, फास्ट फूड से रिलेटेड नहीं बनाना चाहो तो जो बीमार लोग का फूड होता है यानी जो बीमार पेशेंट्स का फूड होता है कि इस बीमारी में कौन सा फूड खाना चाहिए उससे रिलेटेड आप सभी लोग ब्लॉग बना सकते हो, या फिर चाइनीज फूड से रिलेटेड आप सभी लोग ब्लॉग बना सकते हो, अमेरिकन फूड से रिलेटेड आप सभी लोग ब्लॉग बना सकते हो। काफी ज्यादा नीशेज आप सभी लोग को देखने को मिल जाते हैं। गाइस हर एक कैटेगरी पर आप सभी लोग को अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा। अब अगर आप सभी लोग चाहो तो जो फूड की रेसिपीज होती है उनसे रिलेटेड भी वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हो। अब आप चाहो तो उन रेसिपी को हिंदी में भी बता सकते हो, इंग्लिश में भी बता सकते हो और यहां पर भी आप सभी लोग को गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा जिसका यूज करके आप सभी लोग अच्छी खासी अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे रिलेटेड भी अगर आप सभी लोग लो कॉम्पिटिशन जानना चाहते हो, कीवर्ड की पूरी लिस्ट आप सभी लोग लेना चाहते तो गाइस वो चीज भी आप सभी लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं डायरेक्टली लिंक आप सभी लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है गाइस तीसरा जो हमारा नीश है वो है गेमिंग। अगर आप सभी लोग को गेमिंग से रिलेटेड बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी आप सभी लोग यहां पर वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हो और थोड़ा बहुत नॉलेज है आप सभी लोग को तो यहां पर और भी ज्यादा बेटर आप सभी लोग के लिए रहेगा। अब गेमिंग में भी गाइस आप सभी लोग को काफी ज्यादा कैटेगरीज मिल जाती है जिनसे रिलेटेड अगर आप सभी लोग वेबसाइट स्टार्ट करते हो तो आपको यहां पर अच्छा खासा ट्रैफिक भी मिलेगा और इस ट्रैफिक के साथ-साथ आप सभी लोग को अर्निंग भी अच्छी खासी होगी। अगर यहां पर मैं कुछ
कैटेगरीज की बात करूं तो यहां पर आप सभी लोग गेमिंग से रिलेटेड एक न्यूज वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो, जिसमें गेमिंग से रिलेटेड जितनी भी न्यूज आती है उन सारे की सारी न्यूज को अपडेट को आप सभी लोग बता सकते हो। और अगर इससे रिलेटेड नहीं बनाना चाहो तो आप सभी लोग जो गेमिंग की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है उससे रिलेटेड आप सभी लोग ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। इन सारे ब्लॉग्स को आप सभी लोग चाहो तो हिंदी में स्टार्ट कर सकते हो, हिंदी में नहीं करना चाहो तो इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप सभी लोग टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड वेबसाइट नहीं बनाना चाहते हो तो आप सभी लोग जो गेमिंग के मिशंस होते हैं उनको कैसे क्लियर करें, इससे रिलेटेड भी आप सभी लोग अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। यहां पर भी आप सभी लोग को अच्छा खासा ट्रैफिक देखने को मिल जाएगा। अब जितने भी गेम्स हैं उन अलग अलग गेम्स के लिए आप सभी लोग अलग अलग माइक्रो नीच ब्लॉग्स स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि गाइस अभी के समय में माइक्रो नीच ब्लॉग्स काफी ज्यादा जल्दी रैंक करते हैं। अगर आप सभी लोग कोई एक वेबसाइट बनाते हो जिस पर डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट आप सभी लोग शेयर करते हो तो वहां पर उसको रैंक कराने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप सभी लोग किसी पर्टिकुलर नीच के रिलेटेड वेबसाइट बनाते हो तो वो इजीली रैंक कर जाएगी, ठीक है गाइस। तो यहां पर गाइस आप सभी लोग मिशन से रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हो। अब यहां पर जो ट्रेंड गेम अभी चल रहा है वो है PUBG, ठीक है। तो यहां पर PUBG मिशन से रिलेटेड अगर आप सभी लोग अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हो तो वो भी काफी ज्यादा रैंक करेगी, काफी जल्दी रैंक कर जाएगी, और हिंदी में बनाओगे तो और भी जल्दी रैंक करेगी। अब PUBG में भी डेली डेली न्यू मिशन आते रहते हैं, हर एक नई नई चीजें आती रहती है, यहां पर भी काफी ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो उससे रिलेटेड अगर आप सभी लोग को नॉलेज है तो आप यहां पर भी अपनी वेबसाइट बना सकते हो। अगर नॉलेज नहीं है तो YouTube पर काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा गेमिंग से रिलेटेड, वहां से कंटेंट लेकर आप सभी लोग डायरेक्टली अपने वेब में उसे इंप्लीमेंट करके यहां पर डालकर अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। अब गाइस जो हमारा फोर्थ नीच है वो है एजुकेशन। अगर आप सभी लोग एजुकेशन से रिलेटेड अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करते हो तो गाइस यहां पर आप सभी लोग को कम समय में काफी ज्यादा सक्सेस रेशियो देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस ये जो कैटेगरी है यहां पर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स आते रहते हैं जिनसे रिलेटेड अगर आप सभी लोग आर्टिकल्स डालोगे तो जल्दी से जल्दी रैंक करेंगे वो आर्टिकल्स, ठीक है। और गाइस यहां पर अगर मैं आप सभी लोग को कुछ कैटेगरीज के बारे में बताऊं तो यहां पर आप सभी लोग जो नए नए एग्जाम्स आते रहते हैं उनसे रिलेटेड न्यूज आप सभी लोग प्रोवाइड करा सकते हो, यानी कि एग्जाम की डेट कब आएगी, एग्जाम से रिलेटेड जितने भी रिजल्ट्स हैं वो सारे के सारे रिजल्ट्स कैसे आएंगे। अब गाइस यहां पर मैं अगर आप सभी लोग को और भी कुछ कैटेगरीज के बारे में बताऊं तो यहां पर जितनी भी अलग अलग स्टेट की न्यू भर्ती निकलती रहती है उसके रिलेटेड आप सभी लोग बना सकते हो, यानी कि उस भर्ती की लास्ट डेट कब है, कब से फॉर्म भराना स्टार्ट होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, और भी गाइस काफी ज्यादा कैटेगरीज है जिनसे रिलेटेड आप ब्लॉग बना सकते हो, और यहां पर भी आप सभी लोग को काफी ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आप सभी लोग को एक और कैटेगरी बताऊं तो अभी जो 10, 12 के जितने भी पेपर्स है वो भी डिले है, तो इनसे रिलेटेड भी आप सभी लोग अभी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो, काफी जल्दी रैंक भी करेगा और ट्रैफिक भी आएगा। तो गाइस ये भी काफी बढ़िया एक टॉपिक है जिस पर आप सभी लोग अपनी वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हो। गाइस इससे रिलेटेड भी अगर आप सभी लोग लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड चाहते हो तो वो आप सभी लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं आप सभी लोग के लिए लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा, एक क्लिक में आप सभी लोग उस लिस्ट को डाउनलोड कर सकोगे। जो हमारा 5 नीच है वो है ब्लॉगिंग। आप सभी लोग ब्लॉगिंग से रिलेटेड अपनी एक वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हो, जहां पर आप सभी लोग ब्लॉगिंग में जितने भी कैटेगरीज है जितने भी टॉपिक्स है उनको क्लियर कर सकते हो। आप चाहो तो ये चीज आप सभी लोग हिंदी में भी बता सकते हो, हिंदी में नहीं बताना चाहो तो आपको इंग्लिश में बताना आता है तो भाई इंग्लिश में भी बता सकते हो। यहां पर भी आप सभी लोग को काफी ज्यादा कैटेगरीज देखने को मिल जाती है, जैसे कि एक फ्री वेबसाइट कैसे बनाए, वेबसाइट बनाने के बाद वेबसाइट का एसईओ कैसे करें, एसईओ टूल कौन कौन से हैं, इसके अलावा और भी ज्यादा कैटेगरीज मिल जाती है, लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स कैसे फाइंड करें, और भी ज्यादा ब्लॉगिंग के ऐसे काफी ज्यादा टॉपिक्स है जिनसे रिलेटेड अगर आप सभी लोग वेबसाइट बनाते हो, और बहुत सारे बंदे यहाँ पर बना भी रखे, लेकिन इससे बढ़िया अगर आप सभी लोग कॉन्टेंट प्रोवाइड कराते हो तो यहाँ पर आपकी साइट भी रैंक करेगी, और साइट रैंक करने के बाद यहाँ पर भी आप सभी लोग को काफी ज्यादा मतलब ट्रैफिक देखने को मिलेगा, और इस ट्रैफिक को आप सभी लोग इजिली एडसेंस के साथ मोनिटाइज भी कर सकते हो। एडसेंस के साथ साथ गाइस यहाँ पर और भी ज्यादा एड नेटवर्क है जिनका भी यूज करके आप सभी लोग अपनी वेबसाइट को मोनिटाइज कर सकते हो, और गाइस इन सभी के अलावा आप सभी लोग स्पॉन्सर से भी अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो, ठीक है गाइस। यहाँ पर अगर आप सभी लोग इसका प्रमोशन करते हो तो उससे भी आप सभी लोग को अच्छी खासी अर्निंग होगी, तो ये भी काफी बढ़िया कैटेगरी है जिस पर आप सभी लोग अपनी एक वेबसाइट को स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थे ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ 5 प्रॉफिटेबल नीशेस, इन पर अगर आप सभी लोग अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करते हो तो डेफिनेटली आप सभी लोग को यहाँ पर अच्छा खासा सक्सेस रेशियो देखने को मिलेगा, और अर्निंग्स भी आप सभी लोग अच्छी खासी करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आप सभी लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही अगर आप सभी लोग इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी कैटेगरी से रिलेटेड हम वीडियोस डेली टू डेली हमारे चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, जिससे आप सभी लोग को अच्छी खासी हेल्प होती रहे। तो मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस।